दोस्तों आज बात करने वाले हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करें। तो दोस्तों इसके लिए मैं दो तरीके बताऊंगा, उन दो तरीकों को फॉलो करके आप सिंपल सा आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ई मित्र या कोई स्टोर पे। तो दोस्तों आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से या कंप्यूटर लैपटॉप से आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे दो तरीके बिल्कुल आसान तरीके बताऊंगा। जैसे कि पहला तरीका है कि आप अपने जो भी ब्राउज़र है उसके अंदर आप ये वेबसाइट खोल लीजिए। इस वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली होम पेज पे यहाँ पे पहुँच जाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, यहाँ पे इस तरह का कुछ पेज खुलेगा। यहाँ पे जो ये वेबसाइट है, जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे एरो के निशान पे देख पा रहे हो आप लिंक आधार, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक कर लोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेज दिखाई देगा। इस पेज पे आपको क्या करना है, आपकी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर मांग रहा है और आपका जो भी आधार कार्ड के अंदर नाम है वो यहाँ पे टाइप कर लेना है। और नीचे आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, इस पे क्लिक कर लेना है और आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों इस पे क्लिक करने के पश्चात आप नीचे कैप्चा लिखा हुआ है उसको टाइप कर लेना है अपने इस बॉक्स के अंदर, और इस बॉक्स के अंदर क्लिक कर लोगे, यहाँ पे कैप्चा डाल लोगे तो सबमिट कर लेना है। जैसे सबमिट करोगे तो अगली प्रोग्रेस ये होगी कि आपका अगर आधार कार्ड के अंदर और पैन कार्ड के अंदर अगर अलग अलग नाम नहीं है तो डायरेक्टली आपका जो भी आधार कार्ड है जो पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। अगर आपके नाम में कुछ डिफरेंस है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ओटीपी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको डायरेक्टली ओटीपी आएगा, जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है उस नंबर पे ओटीपी आएगा, और यहाँ पे ओटीपी डालकर आप सबमिट कर सकते हो और आपका इस तरह से आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक तरीका, और दूसरा तरीका है बिल्कुल ही आसान। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जैसे ही आपको क्या करना है कि आपका SMS सेट है उसे ही करना होगा। और दोस्तों ये तरीका बिल्कुल आसान है, ये SMS के थ्रू होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो कीपैड हो चाहे मल्टीमीडिया मोबाइल हो उसके अंदर आपका SMS चैट खोल लेना है और यहाँ पे टाइप करना है कैपिटल अक्षर में, मैसेज के अंदर कैपिटल में लिखना है UIDPN, ये टाइप करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो इस वो टाइप कर लेना है। टाइप कर लेते हो तो आपको इसको भेजना है इस नंबर पे 567678 या 5616 पर, इस पे सेंड कर देना है। ये डायरेक्टली मैसेज इनकम टैक्स विभाग को प्रदान हो जाएगा और दोनों ही नंबर लिंक की प्रक्रिया में वो डाल देता है और आपका आधार कार्ड है जो पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों ये मेरे दोनों तरीके में से कौन सा तरीका बेस्ट लगा आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। और दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।